आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। अनलॉक प्रथम की शुरुआत होते ही लोगों के मन में से कोरोना महामारी का भय खत्म होता नजर आ रहा है। ऐसा की नजारा आज गिरिडीह के टावर चौक में देखने को मिला, जहां पर लोग फिर से सामान्य जीवन जीने के लिए संघर्ष करते दिख रहे थे। पर लोगों के अंदर से भय नाम की चीज जो लॉकडाउन के समय थी वह खत्म होती नजर आ रही है। यहां कुछ लोग बिना मास्क और बिना डिस्टेंसिंग के ऐसे नजर आ रहे थे कि लग रहा था शायद कोरोना आया ही नहीं था। मौके पर मौजूद ट्रैफिक इंस्पेक्टर रतन कुमार ने बताया कि इन दिनों लोग बिना हेलमेट के चलते हैं, तो उस पर फाइन लगाने की जरूरत हम लोग अवश्य समझते हैं, पर आप लोगों की बातों से अब लग रहा है कि बिना मास्क के भी चलने वाले लोगों पर भी अब कड़ी कार्रवाई और फाइन लगाया जाएगा। गिरिडीह से कैमरा पर्सन डिंपल के साथ प्रिंस झा की रिपोर्ट। ये अनलॉक ये वन शुरू हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये समाप्त हो गया है। तो अभी भी जैसा कि देख रहे हैं, मतलब कुछ लोग बिना हेलमेट के चल रहे हैं या फिर मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, तो हम लोग ऐसे उसको देख रहे हैं और रोक भी रहे हैं। और सब जगह हमारा पुलिस जो है हर चौक चौराहे पे लगी हुई है, और सबको निर्देश भी दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में बिना मास्क का वो मतलब बिना लगाए वो मतलब मत घूमे किसी भी तरह से। और लोगों से भी निवेदन है कि अभी भी मतलब ये नहीं समझे कि मतलब ये समाप्त हो गया कोरोना अभी भी मतलब है ही और समाप्त तो हुआ नहीं। सिर्फ समझदारी का अंतर है, कुछ छूट दिया गया सरकार के द्वारा, जैसे कुछ दुकान वगैरह है कुछ छूट दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब वो मास्क नहीं लगाए या सोशल डिस्टेंस का मेंटेन नहीं करें, वो उनको कर नहीं है। किसी भी परिस्थिति में वो भीड़ नहीं लगाएंगे, चार पांच आदमी से ज़्यादा इकट्ठा नहीं होंगे, और मास्क तो लगाएंगे ही लगाएंगे और हेलमेट भी पहन के चलेंगे। हम लोग ऐसे देख रहे हैं सर, मैं देख रहा हूँ सर, आप विदाउट हेलमेट मैंने देखा, आई फाउंड आउट बहुत से लोग ऐसे क्या पहले आप जो है जगह जगह चौक चौराहा पर बंदिशें लगाई थी अपनी, ऐसा क्या कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो अभी भी एक्चुअली ये जो लोग समझ नहीं पाए कि जो कुछ दुकान वगैरह खुला तो लोग समझा कि ठीक है भाई दुकान खुला है तो स्वाभाविक है कि वो खरीदारी करेंगे ही, लेकिन अभी भी उस पर कोई ऐसा छूट नहीं दिया गया है। अभी भी उनको मतलब जो पहले का नियम और शर्त है वो उस पर लागू हो ही रहा है। ठीक है, कहीं चल रहा है गलती, अगर कोई नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन हमको जो दिखाई पड़ता है उसको हम लोग रोकते भी हैं और आगे कार्रवाई भी करेंगे। अगर नहीं लगाएंगे वो मास्क तो उनके ऊपर मतलब मैंने FIR भी दर्ज होगा। पहले आप बहुत सख्त अफसर रहे हैं, तो मैंने देखा है कि आप चौक चौराहे पर अपने लगा के हमेशा हेलमेट वाहन चेकिंग वर्क किया है, नौ सीख हुए बच्चे या टोटो फोटो चलाते हुए, तो आपने हमेशा कार्रवाई की है सर, ये लग रहा है कि इस बार आपने ढील दी है। नहीं, ढील की ऐसा बात नहीं है, जैसे कुछ गाड़ियां चलना शुरू हो गया, जैसे टेम्पू वगैरह है टोटो वगैरह है तो उसको छूट दिया गया। नहीं, बिल्कुल मोटरसाइकिल में बिल्कुल हेलमेट, हाँ मोटरसाइकिल अभी हम लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब छोड़ रहे हैं, मतलब हेलमेट भी लगा के उनको चलना ही चलना है और चेकिंग लगा भी रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहीं नजर से निकल जाते हैं, बात अलग है कि हम लोग फिर और कार्रवाई मतलब और भी करने जा रहे हैं। हर चौक चौराहे पे भी लगा हुआ हमारा पुलिस जवान और इस पर सख्ती करेंगे आगे से। जब मॉल खोलने का सर 8 तारीख को ऑर्डर हुआ है, उसके बेफजूल में आज मात्र महज 3 तारीख है, फिर भी मॉल खुली हुई थी, इसका कारण क्या है? एक्चुअली आप बता रहे थे ये तो गलत किया, अगर कोई किया है तो 8 तारीख के पहले उनको खोलना नहीं है, तो क्या पता इस कारण से वो खोले नहीं कर सकते हैं। ऐसे हम लोगों को अगर नज़र में वो नहीं आई बात, अगर आती तो बिल्कुल उसको बंद कराते, और अभी पुलिस प्रशासन घूम ही रही है कि भाई मॉल को खुलना नहीं है, 8 तारीख के बाद से खुलेगा तो फिर 8 तारीख के बाद से ही खुल रहा है।